दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप रक्षाबंधन के त्योहार से भी 20 से 30 हज़ार रुपये ऑनलाइन कमा सकते हैं, तो आपको सुन के क्या लगेगा? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन के त्योहार की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 11 अगस्त को आने वाला है। इसी बीच आप जो है कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप घर बैठे जो है वो ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, वो भी 20 से 30 हज़ार से कहीं ज़्यादा भी कमा सकते हैं अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हाफ डेवलपर चैनल पे आपका। आज के वीडियो में मैं इसी बात पे आपको पूरा ही दिखाने वाला हूँ और आपको जो है वो ऐसी चीज़ दूंगा जिससे आप तुरंत ही अर्निंग करने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो है वो एक वायरल स्क्रिप्ट देने वाला हूं जो कि रक्षाबंधन से रिलेटेड है, और ये स्क्रिप्ट जो है वो कैसे काम करती है वो भी हम जानेंगे। आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है और जरा सा भी स्किप नहीं करना है। तो ये वायरल स्क्रिप्ट होती क्या है? तो ये एक तरह का विशिंग टेम्पलेट होता है जो कि एक शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पे ज़्यादातर। तो लोग क्या करते हैं, जब भी ये त्योहार आने वाला होता है, लोगों को सेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, ग्रुप में, तो उनका नाम भी वहाँ पे जाता है कि भाई इसने जो है आपको विश किया हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, जो भी है इस तरह का मैसेज जाता है उनके नाम से। अब तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो जिसको ये गया है उस पे वो क्लिक करेगा तो वो भी अपने नाम से अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकता है। तो इसी से जो है ये काफ़ी वायरल हो जाता है व्हाट्सएप पे, और इससे कमाई भी कैसे होगी वो भी हम जानेंगे। तो इस तरह से जो है ये काम करेगा। तो मैं आपको दूसरा भी यहाँ पे इमेज दिखा दूंगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाफ डेवलपर विशिंग यू इन एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है? और नीचे आप बटन देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे शेयर करने का बटन भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से वो आसानी से शेयर कर सकता है। तो ये स्क्रिप्ट दोस्तों आपको मिल जाने वाली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इससे कमाई कितनी होती है तो पहले मैं आपको वो प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये मेरी एडसेंस की इनकम है और एड हम कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो है यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। रक्षाबंधन जो लास्ट में था वो था 22 अगस्त को, और यहाँ पे सितंबर में अगर आप मेरी इनकम देखेंगे तो $746 है, यानी कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये करके रखा हुआ है $746। तो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 59 हज़ार रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 60,000 जितना हो जाता है। और यहाँ पे भी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इनसेप एलिमेंट से किया है, राइट? तो यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर मैं लास्ट ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ यानी कि प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे अगर जाएंगे सितंबर में आप देख सकते हैं सेम जो है यहाँ पे आपको देख रहा है, राइट? ओके, तो ये हो गया, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। और ये भी आपने देख लिया, राइट? और इसे भी बंद कर देते हैं। तो अभी ये स्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगा हम इस पे आते हैं। तो ये मैंने लोकल होस्ट पे जो है इसको आपके दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, राइट? तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ और मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ जहाँ पे एड भी शो हो रहे हैं, राइट? मैंने इसका वीडियो बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइव मोबाइल पे है, और जैसे कि हमने देखा था इस पे सेम यहाँ पे आएगा, और इसका यूआरएल मैं जो है वो हाइड कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एड आ रहा है एडसेंस का। तो ये एड कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको बस थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह के अर्निंग ट्रिक्स आपको अलग अलग तरीके से मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो वापस क्या करता हूँ और चैनल का नाम डाल देता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आता है। हाँ, अब जो है मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एड आ गया है और उसके नीचे जो है ये लिखा हुआ आ रहा है हाफ डेवलपर विशिंग यू इन एडवांस रक्षाबंधन, राइट? और नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पे बहुत बड़ा वाला एड आएगा, आप देख सकते हैं, और इसी एड से जो है हमारी इतनी इनकम हो जाती है। अब मैं शेयर करके भी दिखा देता हूँ, अपने आप को ही शेयर करता हूँ दूसरे व्हाट्सएप पे, तो आप देख सकते हैं शेयर किया और मुझे मैसेज भी आ गया, और इस तरह का मैसेज उसको जाएगा, और जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसको ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आप ठीक से इसको दोबारा भी देख सकते हैं चला के कि कैसे ये स्क्रिप्ट काम करता है, राइट। तो जो नया बंदा होगा उसको ये दिखेगा, फिर जो है वो सेम इसी तरह से जो है वो साइकिल चलता रहता है। ओके, तो ये हो गया वीडियो का प्रीव्यू, और मैंने आपको स्क्रिप्ट का भी प्रीव्यू दिखा दिया है। अब आप इसको कहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको बता दूँ ये एक प्रीमियम स्क्रिप्ट है, तो आपको इसे जो है वो फ्री में तो नहीं मिलेगा, आपको इसे परचेज करना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक फ्री स्क्रिप्ट भी लाया हूँ जो कि ब्लॉगर में चलेगी। तो पहले इस स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं कि आपको कैसे चलाना रहेगा। तो ये जो है वो प्रीमियम स्क्रिप्ट है, आपको इसे खरीदना पड़ेगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस स्क्रिप्ट में आपको दो फाइल मिल जाएगी जिसको आपको एडिट करना रहेगा, तो ये सारा ही आपको उसी में मिलेगा। लेकिन दो चीज़ें जो है जैसे कि index.php और ready.php, इन फाइलों को आपको चेंज करना रहेगा, वहाँ पे आपको अपने एड लगाने रहेंगे, राइट। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये फाइल मिल गई, आपको ये वाली फाइल जो मिलने वाली है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और ये सारा आपको मिल जाएगा। एक बार आप इसको एडिट कर लेते हैं, वापस उसको आपको जिप में डालना होगा और उसे अपने सर्वर पे डाल देना है। आप सर्वर में डालते वक्त ये ध्यान रखें कि आपको एक सब डोमेन बनाना होगा, और जो भी आपका एडसेंस में अप्रूवल है डोमेन, उसका आप सब डोमेन डाल लेंगे तो आपके एड वहाँ पे भी दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक था जो कि आपको करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे अपने सी पैनल पे आ चुका हूँ, राइट। अब फाइल मैनेजर में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राखी नाम का एक फोल्डर बना लिया है, और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा मैं इसे डिलीट कर दूंगा, तो आप ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे करूँगा अपलोड, और ये जो चीज़ है उसे आपको कर देना है यहाँ पे अपलोड, ठीक है। तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 1 MB का ही है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक्स जो है वो आते रहेंगे। ये रक्षाबंधन का पार्ट 1 है, मैं आपको दूसरा भी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप बना सकेंगे, इससे भी ज़्यादा अर्निंग हो सकेगी। तो यहाँ पे जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल गया है, आपको यहाँ पे कर देना है बैक, और इसे करेंगे यहाँ से एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ से आपको कर देना है रीलोड, और ये फाइल को मैं करूँगा यहाँ से डिलीट, राइट। तो अभी क्या होगा, देखिए ये public_html जो है वो मेरी हाफ डेवलपर की वेबसाइट है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है टेस्ट साइट, और उसके अंदर एक और फोल्डर है राखी करके। तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, halfdeveloper.com/, कहते हैं कि ये आ चुका है यहाँ पे, अपना बन चुका है, और कैसे इसमें लाइव आपने इंस्टॉल कर लिया है। तो इतना सा ही काम है, ज़्यादातर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम एक बार देख ही लेते हैं अगर आए हैं तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके डाल रहा हूँ, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है मैसेज जिसने सेंड किया है वो, यहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही काम है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एड जो लगेंगे वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लॉगर का भी दिखाने वाला हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से परचेज करना होगा। तो उसके लिए मैंने ये लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ इसका प्राइस है, डॉलर में नहीं है, रुपीज़ में है। तो आपको ये स्क्रिप्ट जो है वो परचेज करना रहेगा, फिर जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको इंस्टॉल कर देना है, राइट। इतना सा बात है बस, और कुछ है नहीं। आप 99 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन या होस्टिंग कुछ भी नहीं है, फिर तो आपके पास एडसेंस भी नहीं होगा, राइट। फिर तो आपके लिए बहुत ही
कुछ करने लायक रहेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो यहाँ से आप होस्टिंग वगैरह ले सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं फ्री वाले टेम्पलेट पे। तो मैं आपको फ्री में फ्री वाला भी देने वाला हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये बंदा तो सिर्फ पैसे में ही डील कर रहा है, राइट। तो इसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना रहेगा और ओके करना है। और देख सकते हैं ये वाला स्क्रिप्ट भी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो ये फ्री है, लेकिन ये उससे भी कहीं अच्छा दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पी रक्षाबंधन, और यहाँ पे तो डेज भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सेकंड भी चल रहे हैं कि इतने देर बाद जो है वो रक्षाबंधन आने वाला है। तो विशिंग यू हैप्पी रक्षाबंधन, और बाकी ये सब जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी आप ऐड जो है वो लगा सकते हैं, दोनों जगह पे, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये स्क्रिप्ट को वापस मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो ये सेम फोल्डर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, और ये जो इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे आपको एक ही फाइल मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला है, राइट। तो इस फाइल को जो है यहाँ पे डाल देना है। तो ये अपलोड हो गई, और यहाँ पे आप वापस आएंगे और क्या करेंगे, सेम चीज। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ही आप ये यूआरएल पे आ जाएंगे, तो आपको सेम वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ इस बार, और ये हमने लाइव यहाँ पे चेक कर लिया। अब आप कहेंगे कि हमारे पास अगर ये होता फिर तो हम पीएचपी वाले ही स्क्रिप्ट ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास ना तो डोमेन है, ना तो होस्टिंग है, ना फिर पैसे हैं। तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना रहेगा, आपको जाना है ब्लॉगर पे। ये फ्री वाला तरीका है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक नया ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, विशिंग का ही दे देते हैं, या फिर रक्षाबंधन का भी दे सकते हैं। हाँ, तो ये अवेलेबल तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है यही काम करते रहते हैं फ्री वाला। तो मैं यहाँ पे बीच में ही कुछ डालना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से जो है वो ले लेना अच्छा सा डोमेन, राइट। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, आपको आना है यहाँ पे सेटिंग पे, सॉरी, यहाँ पे आपको थीम में आना है। अब यहाँ पे थीम में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्विच टू जनरेशन, यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको कुछ भी बैकअप वैकअप की जरूरत नहीं है, राइट। तो अभी ये क्लासिक हो जाएगा, लेकिन क्लासिक होने से पहले आपको यहाँ पे चेंज नो बार पे जाना है, और यहाँ पे अगर ऑन है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है, और वापस आ जाना है यहाँ पे, और इसको ओपन विथ आपके जो भी एडिटर है आपके पास उससे आ जाना है। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पे पूरा डिलीट करेंगे, और उसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे पूरा अपडेट हो चुका है, एक बार देखेंगे कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप जाएंगे व्यू ब्लॉग पे, तो आप देख सकते हैं ये जो है वापस आ चुका है। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ कुछ भी, तो ये हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैंने आपको फ्री वाला भी दिखा दिया और पेड वाला भी दिखा दिया, और ये फ्री वाला आपको कहाँ से मिलेगा तो वो भी मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, राइट। तो फ्री वाले में जो है वो आपको ये वाला स्क्रिप्ट मिलेगा, जिसे आप शेयर कर सकते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। लेकिन इसका जो है वो आपको बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, मतलब यूआरएल, तो सबसे पहले ही आपको नाम पूछता है। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम का भेजना है तो वो आप नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। जैसे उसमें था, आप किसी को भी भेजेंगे तो सबसे पहले भेजने वाले का नाम आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि उसने एक विश करके भेजा हुआ है। फिर दूसरा बंदा जाएगा, वो खुद अपना बनाएगा, फिर वो उसे भेजेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, आपको डायरेक्ट ही पहले ही नाम डालना पड़ता है, फिर जाके ये स्क्रिप्ट ओपन होता है। अगर नाम नहीं डालते हैं तो यहाँ पे नल आ जाता है, राइट। तो
तो ये अपने अपने फायदे हैं फ्री वाले पेड वाले के, अर्निंग तो इसमें भी इतनी हो सकती है लेकिन उतना शेयर इसको जो है नहीं मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी का दूसरा जो है पार्ट, मतलब दूसरा पार्ट में हम विशिंग स्क्रिप्ट नहीं लाएंगे, मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट का बताऊंगा जहां से आप जो है रक्षाबंधन से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। लेकिन टाइम बहुत ही कम है, तो वीडियो को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला ये वाले को तो मैं दूसरा बनाऊंगा, अदरवाइज जो है वो स्किप कर दूंगा, क्योंकि अभी 26 जुलाई तो हो चुकी है, 11 अगस्त को जो है वो रक्षाबंधन है, तो इतने से फेज में जो है वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है दूसरा पार्ट का थोड़ा इधर उधर है, बाकी आप समझ सकते हैं, राइट। तो इसी से अर्निंग करने के लिए जो है वो आपको क्या करना रहेगा, एक बार आपने PHP स्क्रिप्ट वाला जो है वो कर लिया, तो उसके बाद आपको 30 से 40 ग्रुप में जो है व्हाट्सएप वाले उसमें आपको डालना रहेगा। फिर जो उसके ग्रुप के मेंबर होंगे उसमें से कई सारे ऐसे होंगे जो अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे, उसके ग्रुप में डालेंगे, इस तरह से वो वायरल हो जाता है, और वायरल जैसे ही होगा आपको अर्निंग जो है वो दिखने लग जाएगी। तो इसी स्क्रिप्ट को जो है वो आप अपने हिसाब से एडिट करके भी दूसरे में भी डाल सकते हैं, जैसे आज रक्षाबंधन है कल कुछ और होगा, तो इमेजेस वगैरह चेंज करके, फॉन्ट मतलब कि ये जो नाम वगैरह टैग्स रहते हैं वो चेंज करके आप खुद का भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रक्षाबंधन है तो सिर्फ रक्षाबंधन का आपने पैसा दे दिया, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ वहाँ पे यूज टू होना होगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।